नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संसद ने निजी क्षेत्र में लिथियम और अन्य परमाणु खनिजों के खनन की अनुमति देने वाला विधेयक कब पारित किया है? 25 जुलाई, 28 जुलाई, 2 अगस्त या 3 अगस्त? तो भी हाल ही में 3 अगस्त को संसद ने लिथियम और अन्य परमाणु खनिजों के खनन की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया है। खान और खनिज यानी विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 हाल ही में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, जो निजी क्षेत्र को लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से 6 के साथ साथ सोने जैसे गहरे खनिजों के लिए खनन कार्य करने में सक्षम बनाता है। विधेयक निजी कंपनियों को पहले से आरक्षित परमाणु खनिजों के खनन और अन्वेषण की अनुमति देता है, जिससे इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को और निवेश को बढ़ावा मिलता है। लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैंटलम और जिरकोनियम उन परमाणु खनिजों में से हैं जो अब तक निजी संस्थाओं द्वारा अन्वेषण के लिए खुले हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है? असम, राजस्थान, मेघालय या कर्नाटक? तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने आधिकारिक तौर पर अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए एक ऐप और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस बड़े पैमाने की पहल का प्राथमिक उद्देश्य असम के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के सामने सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2025 तक असम का लक्ष्य 5 करोड़ पौधे लगाने का है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी, सलमान रुश्दी, चित्रा मृदुगल या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में विमोचित हुई नीरजा चौधरी की पुस्तक जो हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड है। अनुभवी पत्रकार नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक नई किताब उस नाटक को याद कराती है जिसके कारण राहुल की अपनी मां की जान के डर से प्रेरित होकर सोनिया की घोषणा हुई थी। यह पुस्तक उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो राष्ट्रीय स्तर पर 40 वर्षों की उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग से प्राप्त हुई है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहां सांस्कृतिक उत्सव आदि पेरुकू मनाया गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में आदि पेरेक्कू सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हुआ है। तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरेक्कू, जिसे पाथिनेट्टम पेरेक्कू भी कहा जाता है, को मानसून के मौसम और मिट्टी की उर्वरता का सम्मान करने के लिए एक शुभ त्यौहार के रूप में मनाता है। अपनी प्रारंभिक उत्पत्ति में आदि पेरेक्कू कावेरी नदी के किनारे रहने वाले समुदायों तक ही सीमित था। हालांकि समय के साथ यह त्यौहार भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया है और अब दुनिया भर में मनाया जाता है। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे ने 5G परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या IIT बेंगलुरु? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के बीच 5G परीक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। रेल मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान में भारत 5G परीक्षण स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रेलवे के लिए 5G उपयोग के मामलों के परीक्षण और विकास के लिए समर्पित है। भारत में 5G टेस्ट बेड की स्थापना रेलवे उद्योग के लिए 5G प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? NDTSPC, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में NDTSPC यानी कि नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कंसोर्टियम के द्वारा डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई है।
नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कंसोर्टियम ने मांगों को पूरा करने और भारतीय डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का अनावरण किया है। डीप टेक गहन और इंजीनियरिंग सफलताओं पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करता है, उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग डीप टेक के उदाहरण हैं, क्योंकि वे मशीनों को डेटा से सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जटिल एल्गोरिदम और मॉडल पर भरोसा करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ओडिशा में प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह? तो अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ओडिशा की राजधानी के पास दशावतिया तमांगुंडो में प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी गई है। डिवाइन लाइट हाउस परियोजना और सकारात्मक परिवर्तन पर ध्यान, समाज के भीतर समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय न केवल एक संगठन के रूप में बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में भी खड़ा है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने UNFPA के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने UNFPA के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य किशोरों और युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए सामाजिक मुद्दों, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और उसके अधिकारों से संबंधित सटीक और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 50, 55, 63 या 65? तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रेनिंग और स्किलिंग के लिए 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। इन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 5000 से अधिक रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्रमाणित किए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई, 5 से 12 जुलाई, 1 से 7 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 2023 की थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।